कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। बात करते हैं मेटल बाजार के बारे में। आज जानेंगे किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है, मेटल के मार्केट में क्या कीमतें चल रही हैं, बेस मेटल के बारे में बात करेंगे, जानेंगे एलएमई और एमसीएक्स में किस तरह का उतार चढ़ाव और ट्रेंड बाजारों में देखा जा रहा है, विस्तार से बारे में बात करेंगे। इसलिए हमारे साथ खबरों में आप अंत तक जरूर बने रहिए। तो मेटल के मार्केट में एमसीएक्स में बाजारों में बढ़त दर्ज करी गई है, कॉपर जिंक और बाजारों में एल्यूमिनियम में अच्छी खासी तेजी, फिजिकल बाजार में आप देखकर चल सकते हैं। दिल्ली के स्पॉट मार्केट में बाजारों में बढ़त आई है और मार्केट में जो लेड का मार्केट है वो फिलहाल के लिए स्थिर देखा जा रहा है, इसमें बहुत ज्यादा तेजी के साथ कारोबार नहीं देखा गया है। कीमतों के बारे में बात करते हैं तो कॉपर का लेवल एल्यूमिनियम में 8,445 से 729 रुपए एमसीएक्स का रेट चल रहा है। एल्यूमिनियम के बारे में अगर बात करी जाए तो 2,251 रुपए का रेट बाजारों में आप देख कर चल सकते हैं। एल्यूमिनियम में 205 रुपए का रेट एमसीएक्स में बाजारों में एल्यूमिनियम में देखा जा रहा है। लेड के बाजार के बारे में बात करते हैं, 2,081 रुपए कीमत है एल्यूमिनियम में, 183 रुपए का रेट एमसीएक्स में चल रहा है। जिंक के मार्केट में 2,416 रुपए का रेट एल्यूमिनियम में, 217 रुपए का रेट एमसीएक्स में, जिंक में देखा गया है। गोल्ड यानी सोने में 1,962 रुपए का रेट, कॉमिक्स में है 59,630 रुपए का रेट एमसीएक्स में सोने में देखा जा रहा है। सिल्वर यानी चांदी में 23.90 रुपए का रेट, कॉमिक्स में 72,385 रुपए का रेट एमसीएक्स के बाजार में आप सिल्वर यानी चांदी में देख कर चल सकते हैं। क्रूड ऑयल में बाजारों में 69 रुपए का रेट है, 5,717 रुपए का रेट एमसीएक्स में क्रूड ऑयल में देखा जा रहा है। इसके अलावा दिल्ली के बाजार में भी बाजारों में स्पॉट मार्केट में काफी अच्छी खासी तेजी दर्ज करी गई है। चाइना के बाजार से भी आंकड़े आने बाकी हैं, जिसकी वजह से मार्केट में आप थोड़ा बहुत पैनिक का माहौल भी देखकर चल सकते हैं। दिल्ली के मार्केट में कॉपर सुपर एचडी में तेजी है, 780 रुपए का रेट चल रहा है। कॉपर आर्मेचर का रेट 740, एल्यूमिनियम बर्तन की 173 है, एल्यूमिनियम वाइस स्लेव का रेट 205 है, जिंक में एल्यूमिनियम पुर्जे का रेट 162 रुपए देखा जा रहा है। जिंक में जिंक हिंदुस्तान की 222 है, लेड का रेट 180 है, लायबिलिटी कीमत 195 चल रही है, बैटरी स्लेव का रेट 95/115 रुपए है, निकिल कीमतें 1815 चल रही है, पीतल का रेट 485 है, टिन नागे कीमतें 2,250 रुपए देखी जा रही है। ऐसे बर्तन स्क्रेप का रेट बाजार में आप 69 रुपए देखकर चल सकते हैं। इसके अलावा मुंबई के बाजार के बारे में बात करते हैं, मुंबई के मार्केट में कॉपर केबल स्क्रेप का रेट 725 है, कॉपर आर्मेचर कीमतें 708 चल रही है, ब्रास स्क्रेप की कीमतें मुंबई के बाजार में 473 है, एल्यूमिनियम स्क्रेप का रेट 171 चल रहा है, जिंक में जिंक इंगट की कीमतें 217 है, लेड इंगट का रेट 187 है, टिन इंगट कीमतें 2,285 है, निकिल कैथोड का रेट आप बाजारों में 1,815 रुपए बाजारों में देखकर चल सकते हैं। मार्केट में अच्छी खासी बढ़त के साथ ही कारोबार देखा जा रहा है, लेकिन हम आपको यहां से अलर्ट रहने की सलाह जरूर देंगे, सावधानी बरत सकते हैं बाजारों में आप, जब तक चाइना के आंकड़े नहीं आ जाते तब तक बाजारों में बहुत ज्यादा आपको पैनिक का माहौल देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं ट्रेडिंग रेंज के बारे में, कैसा सपोर्ट का लेवल, कॉपर में 737 है, रेजिस्टेंस लेवल 746 चल रहा है, लेड के बाजार में 139 रुपए का एक अच्छा सपोर्ट है, रेजिस्टेंस लेवल 181 है, जिंक के मार्केट में 217 रुपए में आपको एक अच्छा सपोर्ट देखने को मिलेगा, रेजिस्टेंस लेवल 224 चल रहा है, निकिल के बाजार में इसी तरह 1790 रुपए का एक अच्छा सपोर्ट है, रेजिस्टेंस लेवल 1840 रुपए निकिल के बाजारों में देखा जा रहा है। ओवरऑल मार्केट में आपको ट्रेंड पॉजिटिव देखने को मिलेगा और मार्केट में हम आपको सलाह यही देंगे कि आने वाले आप 1-2 दिनों में ऊपरी लेवल पर सतर्क जरूर रहिए, अलर्ट जरूर रहिए। एक अच्छा अगर आपको सपोर्ट मिलता है तो जरूरत के हिसाब से आप ऊपरी लेवल से अपना प्रॉफिट बुक करके चल सकते हैं। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही, अगर आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल होता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज मार्केट 24।